नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलचूरी वंश के बारे में बात किया था, देखा था कि यहां से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं सीजीपीएससी प्री में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज के लेक्चर में छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो बाकी स्थानीय राजवंश है, सोमवंश के अंतर्गत उड़ीसा के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश, फड़ीनाग वंश, बाण वंश और बस्तर के इतिहास के अंतर्गत छिंदक नाग वंश और काकतीय वंश से संबंधित यहाँ पर हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आदिवासी विद्रोह को हल नहीं करेंगे। आदिवासी विद्रोह, सत्याग्रह, किसान आंदोलन, इन सब से संबंधित एक सेपरेट लेक्चर होगा जहां पर हम इनसे संबंधित सवालों को डील करेंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला सवाल है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इन स्टेटमेंट्स पर विचार करके सही कथन को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, कांकेर में सोमवंश के संस्थापक बोगदेव थे। तो कांकेर के सोमवंशियों ने 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक काकरे के क्षेत्र में शासन किया। प्राचीन समय में कांकेर को काकरे कहा जाता था। इन सोमवंशियों का उड़ीसा के सोमवंशियों से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, इससे संबंधित हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, ना ही इतिहासकारों के द्वारा और ना ही अभिलेखों के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनके संबंध के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस वंश का पहला शासक सिंहराज था, उसके बाद शासक हुआ व्यागराज और फिर शासक हुआ बोपदेव और उसके बाद ये वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस वंश का संस्थापक सिंहराज था, ना कि बोपदेव, लेकिन बोपदेव इस वंश का शासक तो था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजलदेव द्वितीय ने कराया था। तो पाली में स्थित शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य का शासन का लगभग 870 से लेकर 895 ईस्वी तक था और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचूरी वंश के शासक जाजल्लदेव द्वितीय ने नहीं बल्कि जाजल्लदेव प्रथम ने करवाया था। जाजल्लदेव प्रथम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इसकी दीवारों पर श्रीमद जाजल्लदेवस्य कीर्ति अंकित है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख में फणीनाग वंश के वंशावली की जानकारी मिलती है। तो देखिए, मड़वा महल कहाँ है? कबीरधाम जिले के अंतर्गत चौरा ग्राम में स्थित है। इस महल का निर्माण फणीनागवंशी शासकों के शासनकाल में कराया गया था। मड़वा महल से हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें समय दिया गया है 1349 ईस्वी। इस शिलालेख में हमें फणीनागवंश के शासकों की वंशावली के बारे में पता चलता है। सबसे पहला शासक था फणीनागवंश का अहिराज और उसके बाद पूरे 24 शासकों के कालक्रम की जानकारी हमें मिलती है और 24वां शासक था रामचंद्र देव। इसी रामचंद्र देव ने इस मड़वा महल में कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह कराया था और ये मुख्यतः मड़वा महल एक मंदिर है, शिव मंदिर है, लेकिन नाम इसका मड़वा महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसी मंदिर में रामचंद्र देव ने कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था और इसका स्वरूप भी बिल्कुल मड़वा के जैसा है। मड़वा का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में मड़वा कहते हैं विवाह मंडप को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सही कथन को चुनना है ना, तो केवल थर्ड, तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, छिंदक नागवंशी शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार बढ़ते क्रम में जमाइए। बहुत ही फेवरेट सवाल है सीजीपीएससी का। कभी कभी वो ऐसा पूछ देता है कि निम्नलिखित शासकों को आप उनके वंश क्रम के हिसाब से, उनके काल क्रम के हिसाब से जमाइए। और जनरली मैंने देखा है कि ये बस्तर के शासकों के बारे में ही ऐसा पूछता है, चाहे वो नल वंश के हों, चाहे छिंदक वंश के हों, चाहे फिर वो काकतीय वंश के हों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, छिंदक वंश के शासकों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला शासक है नृपति भूषण। नृपति भूषण के बाद शासक हुए धारावर्ष, जगदेव भूषण, फिर शासक हुए मधुरांतक देव। मधुरांतक देव जगदेव भूषण के संबंधी थे, ये उनके पुत्र नहीं थे। और उसके बाद फिर जगदेव भूषण धारावर्ष के बेटे सोमेश्वर देव
शासक हुए सोमेश्वर देव प्रथम। ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। इसके बाद फिर शासक हुए कन्हरदेव। इसके शासनकाल के बारे में जानकारी हमें कुरुसपाल के अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका शासनकाल 1069 से लेकर 111 ईस्वी तक था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर शासक हुए कन्हरदेव, कन्हरदेव के बाद शासक हुए सोमेश्वर देव द्वितीय। फिर हम देखते हैं शासक हुए नरसिंह देव, नरसिंह देव के बाद जयसिंह देव, और जयसिंह देव के बाद हरिश्चंद्र। कुछ प्रमुख बातें इनसे संबंधित, तो पहला कि संस्थापक द्रुपदी भूषण, ठीक। दूसरा सोमेश्वर देव प्रथम, बहुत शक्तिशाली शासक। बाहरी व्यक्ति मधुरांतक देव। अंतिम शासक हरिश्चंद्र। इसका टेमरा सती अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, इससे संबंधित सती अभिलेख प्राप्त हुआ है टेमरा में। और क्या याद रखना, देखिए महत्वपूर्ण शासक हैं, ठीक है। इनका कालक्रम एग्जैक्ट वैसी है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पर क्लियर है कि इसके बाद ही ये शासक हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं मधुरांतक देव, तो पहले दो आएगा, फिर सोमेश्वर देव, देन उसके बाद कन्हर देव, और उसके बाद जयसिंह देव। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सूची एक में उपाधि को सूची दो के शासकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ उपाधि के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं। अभी जस्ट हमने देखा जगदेव भूषण की उपाधि थी धारावर्ष। दूसरा धर्म कंदर्व की उपाधि महाबहुगुप्त वन। ये उड़ीसा के सोमवंशी शासक हैं, इनकी उपाधि थी। देखिए उड़ीसा के सोमवंशी शासकों से संबंधित आपको कुछ ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि ये त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि धारण करते थे। त्रिकलिंग के ये शासक हुआ करते थे, मतलब कि कोसल, कलिंग और उत्कल, इन तीनों क्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ करता था। तो उड़ीसा के सोमवंशी पहले शासक थे शिवगुप्त। शिवगुप्त का शासनकाल 850 से लेकर 880 ईस्वी तक था। उसके बाद फिर शासक हुए जन्मेजय भवगुप्त, ठीक है। इनका शासनकाल 880 से लेकर 920 ईस्वी तक था। इन्होंने ही धर्म कंतर्प की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इन शासकों के जन्म नाम अलग हुआ करते थे और इनके प्रशासनिक नाम, जब ये राजगद्दी पर बैठते थे तो राजा के नाम इनके अलग हुआ करते थे। अगर पिता शिवगुप्त हुआ करता था तो बेटा भवगुप्त हुआ करता था, ठीक है। तो जन्मेजय जन्म नाम है, और भवगुप्त, ये जो भवगुप्त है ये क्या है, उनका राजकीय नाम है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जन्मेजय भवगुप्त ने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये दो का मैच भी बी तीन सकल कोसलाधिपति, हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था पृथ्वीदेव प्रथम, ये 21,000 गांव का स्वामी था और इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और पृथ्वीदेव प्रथम के अलावा तिवर देव ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तिवर देव पांडव वंश का शासक है। राजभूषण की उपाधि सोमेश्वर देव द्वितीय ने धारण की थी, ठीक। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 1 का अ, 2 का ब, 3 का स, 4 का द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस शासक ने चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए धारावर्ष जगदेव भूषण, बी सोमेश्वर देव प्रथम, सी नृपति भूषण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सोमेश्वर देव प्रथम ने चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए चिंतक नागवंशियों की राजधानी क्या थी, तो चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट थी। इन्होंने चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन इन्होंने किया, ठीक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी हमें कुरुसपाल के अभिलेख से प्राप्त होती है। कुरुसपाल के अभिलेख में ये बताया गया है कि सोमेश्वर देव के पिता का नाम धारावर्ष जगदेव भूषण था। ये भी बताया गया है कि सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव की हत्या करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में
समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुसपाल के अभिलेख में भी सोमेश्वर देव प्रथम के विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसने किन किन क्षेत्रों में आक्रमण किया, किन किन क्षेत्रों के राजा को पराजित किया, इन सब की जानकारी कुरुसपाल के अभिलेख से प्राप्त होती है। इसने वेंगी, लेमड़ा इन सभी क्षेत्रों पर, लौंजी इन सभी क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया था, उसकी जानकारी कुरुसपाल के अभिलेख से प्राप्त होती है। ये जो कुरुसपाल अभिलेख है ये नागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। टोटल 39 पंक्तियां हैं इस अभिलेख में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, काकतीय वंश से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और हमें असत्य को चुनना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला कथन, पुरुषोत्तम देव अपनी राजधानी बस्तर को, पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी बस्तर को बनाई थी। तो पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश के चौथे शासक हैं। ठीक है, इन्होंने पुरी की यात्रा से लौटकर अपनी राजधानी को मंदोदरा से बस्तर स्थानांतरित किया था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दरियादेव को बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है, तो दरियादेव को नहीं कहा जाता है, अजमेर सिंह को कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अजमेर सिंह के शासनकाल में कोटपाड़ की संधि हुई थी, तो अजमेर सिंह की तो मृत्यु हो चुकी थी, अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद दरियादेव के शासनकाल में कोटपाड़ की संधि हुई थी, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विद्रोह भैरमदेव के शासनकाल में हुआ था, तो हाँ हुआ था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब समझते हैं कि कैसे, तो देखिए स्थिति क्या थी। दलपत देव, ये काकतीय वंश का शासक है। दलपत देव का शासनकाल 1731 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक था। इसने अपने शासनकाल में अपने छोटे पुत्र अजमेर सिंह को डोंगर क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था और इसके बड़े पुत्र का नाम था दरिया देव। दलपत देव की मृत्यु के बाद अजमेर सिंह ये 1774 ईस्वी में बस्तर का शासक बनता है, लेकिन ये बात दरिया देव को रास आती नहीं है, चूंकि वो दलपत देव का बड़ा बेटा होता है, तो शासक बनने के उद्देश्य से दरिया देव और अजमेर सिंह इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो दरिया देव ने मराठों के साथ संधि कर ली। ठीक है, इस युद्ध में अजमेर सिंह को पराजित करने के लिए दरियादेव ने मराठों से और जयपुर के शासक विक्रमदेव से संधि कर ली। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि इसने फिर से इस पर युद्ध किया और इस बार अजमेर सिंह ने हलबा लोगों को एकत्रित करके हलबा विद्रोह कर दिया। बहुत ही सार में समझाया जा रहा है, बहुत डीप नहीं जा रही हूँ, बहुत ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है कि स्थिति कैसी थी। तो स्थिति ऐसी थी कि दोनों के बीच में, ठीक है, सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पर बार बार युद्ध चल रहे थे। ठीक है, कभी दरियादेव की हार होती थी तो कभी अजमेर सिंह की हार होती थी, तो फिर फाइनली अजमेर सिंह को पद से हटाने के लिए और उस पर जीत हासिल करने के लिए दरियादेव मराठों से मिल जाता है और फिर उसके बाद बड़ी सेना के साथ अजमेर सिंह पर वो आक्रमण करता है। इसी समय हलबा विद्रोह होता है, हलबा लोगों के द्वारा 1774 ईस्वी में विद्रोह किया जाता है। लेकिन होता कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरिया देव बड़ी सेना के साथ यहाँ पर हाजिर होता है और वो इसी हलबा विद्रोह में अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1777 ईस्वी में और उसके बाद 1779 ईस्वी तक एक एक हलबा विद्रोहियों का पीछा करके उनका नरसंहार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अजमेर सिंह के नेतृत्व में हलबा विद्रोह होता है, इसीलिए अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है, बस्तर में क्रांति का मसीहा अजमेर सिंह को कहा जाता है। ठीक है, तो अजमेर सिंह का शासनकाल 1774 से 77 ईस्वी तक रहता है, उसके बाद फिर राजगद्दी पर 1777 ईस्वी में दरियादेव बस्तर के राजगद्दी पर बैठता है, 1800 ईस्वी तक ये शासन करता है। लेकिन हलबा विद्रोह की बात करें तो हलबा विद्रोह 1774 से लेकर 1779 तक चलता है, मतलब कि अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद भी 2 साल तक ये विद्रोह चलता रहता है। ठीक, इतना समझ में आया, पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अजमेर सिंह के शासनकाल में कोटपाड़ की संधि होती, तो देखिए जब अजमेर सिंह की मृत्यु होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दरिया देव ने मराठों से संधि की थी,
तो फिर इस हलबा विद्रोह का परिणाम क्या होता है कि अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है, हलबा विद्रोहियों का नरसंहार कर दिया जाता है और अब राजा बनता है बस्तर का दरियादेव। जैसे ही दरियादेव बस्तर का राजा बनता है तो उसके बाद फिर 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि होती है। कोटपाड़ एक परगना है, ठीक। ये जगदलपुर से उड़ीसा जयपुर जाने के मार्ग में पहला कस्बा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर संधि होती है। तो इस संधि में क्या होता है, इस संधि में ये होता है कि बस्तर का क्षेत्र मराठों के अधीन हो जाता है। संधि कैसी होती है हम ये भी देखते हैं, ठीक। तो कोटपाड़ की संधि दरियादेव के शासनकाल में होती है। यहाँ पर एक तरफ उस समय रतनपुर के क्षेत्र में बिंबाजी का शासन रहता है, मराठा शासक बिंबाजी प्रत्यक्ष रूप से रतनपुर में शासन करते रहते हैं। तो बिंबाजी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर त्रयंबक अबीर राव होते हैं, ठीक। एक तरफ जयपुर के शासक विक्रमदेव होते हैं और एक तरफ बस्तर की प्रजा और दरियादेव, बस्तर के शासक दरियादेव होते हैं। क्या होता है कि कोटपाड़ का परगना विक्रमदेव को दे दिया जाता है 59,000 टकोली के साथ। बस्तर मराठों के अधीन हो जाता है और ये वही समय होता है, ये वही संधि होती है जब पहली बार बस्तर मराठों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। तो इस प्रकार से दरियादेव ने अपने निजी हित के लिए बस्तर की स्वतंत्रता वो बेच देता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि हाँ ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था, तो ये इनकरेक्ट था। दरियादेव के शासनकाल में कोटपाड़ की संधि हुई थी। चौथा, पर्यावरण संरक्षण संबंधित विद्रोह भैरमदेव के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए भैरमदेव भी काकतीय वंश के शासक थे। इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था हम ये देख लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम विद्रोह के बारे में बात करेंगे। तो भैरमदेव का शासनकाल 1853 ईस्वी से लेकर 1891 ईस्वी तक था। ये वही शासक है, ये वही प्रथम शासक है जब बस्तर ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। बस्तर क्षेत्र ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कब आता है, तो 1854 ईस्वी में आता है। 1854 ईस्वी में क्या हुआ रहता है, हम इसकी चर्चा आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे जब हम मराठा पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी बस इतना ही समझिए कि 1854 ईस्वी में बस्तर का क्षेत्र ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। तो भैरमदेव प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का पहला शासक होता है, ठीक। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं, लिंगागिरी विद्रोह जो कि 1856 ईस्वी में लिंगागिरी तालुका में होता है, ठीक। दूसरा ये कोई विद्रोह 1859 में, और तीसरा मुरिया विद्रोह 1876 में। कोई विद्रोह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विद्रोह है, साल वृक्ष की कटाई के विरुद्ध इस विद्रोह को बस्तर के आदिवासियों के द्वारा किया गया था और नारा लगाया गया था कि एक वृक्ष के पीछे, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर, ठीक है। तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विद्रोह था जो कि भैरमदेव के शासनकाल में हुआ था। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला और चौथा ये दोनों सत्य कथन है, लेकिन हमें चुनना क्या है, असत्य कथन को चुनना है। तो 2 और 3 ये असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, किसके शासनकाल में मराठों ने रामचंद्र बाग के नेतृत्व में बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए महिपाल देव, बी दरिया देव, सी भोपाल देव और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने देखा था ना कि दरिया देव का शासनकाल 1777 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक होता है और उसके बाद इसका पुत्र महिपाल देव बस्तर की राजगद्दी पर बैठता है और इसका शासनकाल 1800 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक होता है। तो दरियादेव के शासनकाल में क्या हुआ था कि 59,000 टकोली के साथ बस्तर मराठों के अधीन हो चुका था, मतलब कि प्रतिवर्ष बस्तर के शासक को मराठों को 59,000 का टकोली देना था। लेकिन जैसे ही बस्तर के क्षेत्र पर महिपाल देव शासक होता है
तो वो मराठों की अधीनता को अस्वीकार कर देता है और बिंबाजी की मृत्यु के बाद, बिंबाजी वहां पर रतनपुर के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं, ठीक है, बिंबाजी की मृत्यु के बाद, बिंबाजी की मृत्यु कब होती है तो 1787 ईस्वी में होती है। तो इनकी मृत्यु के बाद महिपाल देव सालों से मराठों को टकोली नहीं दे रहे थे और एक समय ये भी आता है जब उन्होंने मराठों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देती है। फिर क्या होता है, फिर एक संदेश भेजा जाता है महिपाल देव के द्वारा व्यंकोजी भोसले को, बिंबाजी के बाद व्यंकोजी भोसले रतनपुर के क्षेत्र में राज्य करते रहते हैं, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर सूबेदारी प्रथा के माध्यम से वहां पर शासन करते रहते हैं। तो महिपाल देव व्यंकोजी भोसले को संदेश भेजते हैं कि बस्तर लुटेरे मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, और उसके बाद फिर व्यंकोजी ने रामचंद्र बा के नेतृत्व में बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। तो किसके शासनकाल में ये होता है, महिपाल देव के शासनकाल में ये होता है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, बस्तर के काकतीय वंश से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट, मराठों के अधीन प्रथम शासक दरियादेव। तो हमने देखा था ना कि मराठों के अधीन प्रथम शासक कौन है, दरियादेव, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, बस्तर में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम शासक भैरमदेव, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। भारत की आजादी से पूर्व अंतिम काकतीय शासक प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, इसकी भी चर्चा हम करते हैं, देखते हैं सही कथन छुनना है ना। तो कुछ कुछ टाइमिंग है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक, पैरेलली ये सारी स्थितियां होती जा रही है। 1778, 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड की संधि दरियादेव शासक और बस्तर मराठों के अधीन, ठीक। फिर 1817-18 में सीताबर्डी का युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, मराठे ब्रिटिश से युद्ध में हार जाते हैं और मराठे जो हैं वो ब्रिटिश के अधीन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन बस्तर में प्रारंभ हो जाता है 1818 ईस्वी को, ठीक है। बस्तर में मराठे तो राज्य कर रहे हैं, लेकिन ये मराठे किसके अधीन है, ब्रिटिश के अधीन है। तो ब्रिटिश के अधीन मराठों का शासन यहाँ प्रारंभ हो जाता है, मतलब कि ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष शासन महिपाल देव के शासनकाल में प्रारंभ हो जाता है। महिपाल देव का शासनकाल 1800 से लेकर 1842 ईस्वी तक था। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत से नागपुर के क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है। चूंकि नागपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ही ये रतनपुर का क्षेत्र आता था और बस्तर का भी क्षेत्र आता था, तो ये सभी क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित हो जाता है। कब, 1854 ईस्वी को, और इस समय शासक होते हैं बस्तर के भैरमदेव, जब बस्तर में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी टाइमिंग ध्यान में रखिएगा कि कब कब बस्तर में बस्तर मराठों के अधीन होता है, बस्तर में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ होता है, तो बस्तर में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन होता है प्रारंभ होता है, और सभी के शासकों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और 1947 ईस्वी को जब बस्तर में प्रवीर चंद्र भंजदेव का शासन होता है, प्रवीर चंद्र भंजदेव का शासन 1936 से 1947 तक होता है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को बस्तर रियासत को भारत संघ में मिला लिया जाता है और उसके बाद बस्तर एक जिले के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, भारत की आजादी से पूर्व अंतिम काकतीय शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव था, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव नहीं था। ये प्रफुल्ल कुमारी देवी का बेटा था और ये भंज वंश का शासक था, ठीक है। ये बस्तर में पहला उड़िया शासक और काकतीय वंश का अंतिम शासक था जो कि बस्तर में प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बस्तर में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले हम आंसर पे आते हैं, फिर थोड़ा और चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट, मराठों के अधीन प्रथम शासक दरियादेव, हाँ। बस्तर में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम शासक भैरमदेव, हाँ।
भारत में आजादी से पूर्व अंतिम नहीं, ये नहीं है। तो एक और दो, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें क्या चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। थोड़ा आप प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में भी जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले उड़िया शासक, क्योंकि ये भंज वंश के शासक है, ठीक है, ये अपने आप को काकतीय वंश के शासक कहते थे लेकिन ये भंज वंश के शासक है, ठीक। तो ये पहले उड़िया शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक, इनसे संबंधित दो किताब, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, ये आप ध्यान में रखिएगा, और एक है लोहंडी गुड़ा तरंगिनी। ये जो प्रवीर चंद्र भंजदेव शासक है ना, इन्हें बस्तरवासी अपना गॉड मानते हैं। इन्होंने आदिवासियों के पक्ष में बहुत बार आंदोलन किया। ये 1957 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक के रूप में निर्वाचित किए गए थे, और 1966 में जब ये बस्तर के राज दरबार में बैठक कर रहे थे तब उस सभा में ही गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी तो आपको रखनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं। तीरंदाजी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ब्रिटिश के अधीन प्रथम काकतीय नरेश कौन थे? तो अभी हमने देखा कि ब्रिटिश के अधीन, देखिए यहाँ पर ना अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया है, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो जब ऐसा कुछ सवाल आता है ना और हम कंफ्यूज रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि ब्रिटिश के अधीन कह दिया गया है ना, तो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश के अधीन हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से, अधीन तो है ना। तो पहले आप अप्रत्यक्ष रूप को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद आप प्रत्यक्ष रूप पर आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, दरियादेव, भैरमदेव, भैरवदेव, भूपाल देव, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश के अधीन जब अप्रत्यक्ष शासन बस्तर में प्रारंभ हुआ था तो शासक कौन थे? महिपाल देव थे। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश के अधीन कह दिया गया है तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, ब्रिटिश के अधीन तो है ना बस्तर। तो जैसे ब्रिटिश के अधीन हो गया बस्तर, तो पहला शासक कौन है? तो महिपाल देव है, ठीक। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के अधीन पहले शासक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जुगराज कुंवर किस शासक की पत्नी थी? तो जुगराज कुंवर भैरमदेव की पत्नी थी। भैरमदेव की तीन पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी थी जुगराज कुंवर, जिसे रानी चौरिस के नाम से भी जाना जाता है। रानी चौरिस ने अपने पति के विरुद्ध आपसी मतभेद के कारण पूरे 8 वर्षों तक सशक्त विरोध किया था, जिसे ब्रिटिश ने अपने दस्तावेज में एक विद्रोह कहा, और इसी कारण इन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है। रानी चौरिस का विद्रोह 1878 से लेकर उन्होंने 1886 ईस्वी तक अपने पति के विरुद्ध विरोध किया था, जिसके कारण ये हुआ कि वहां की आदिवासी जनता दो भागों में विभाजित हो चुकी थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रानी चौरिस का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, कि कौन थी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, अच्छा हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भैरमदेव, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, घैटी पौनी प्रथा किसके शासनकाल में प्रचलित थी? रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, भैरम देव, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये सभी शासक एक दूसरे के आसपास के ही हैं, देख लेते हैं हम। भैरम देव का शासनकाल 1853 से लेकर 91, फिर उसके बाद रुद्र प्रताप देव, उनके पुत्र रुद्र प्रताप देव राजगद्दी पर बैठते हैं, लेकिन 1891 ईस्वी में ये अवयस्क होते हैं। फिर 1908 ईस्वी में 23 वर्ष की उम्र पर ये राजगद्दी पर बैठते हैं, और 1921 वर्ष की आयु तक ये शासन करते हैं, और उसके बाद 1921 ईस्वी में रुद्र प्रताप देव की बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी शासिका बनती है, जो कि बस्तर की पहली महिला शासिका है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1936 तक इनका शासनकाल चलता है, और 1936 के बाद इनका पुत्र प्रवीर चंद्र भंजदेव
ये शासक बनते हैं, ये बहुत कम उम्र में, कम आयु में ही ये शासिका बन जाती है। तो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में घैटी पौनी प्रथा बस्तर में प्रचलित थी। क्या है घैटी पौनी प्रथा? घैटी पौनी प्रथा का मतलब होता है कुटुंब की बहाली, कुटुंब मतलब परिवार, परिवार की बहाली। जब मैंने अपने दस्तावेज में बताया है कि उस समय बस्तर में घैटी पौनी प्रथा प्रचलित थी, इसमें होता क्या था कि ऐसी स्त्री जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी या फिर पति के द्वारा त्यागी गई स्त्री, इनकी नीलामी की जाती थी। जिन स्त्रियों को पति के द्वारा त्यागा जाता था वो पति ही राजा के पास छोड़कर उस पत्नी को चला जाता था। और ये स्त्रियां स्पेशली चार जातियों की होती थी। कौन कौन सी जाति? तो सुंडी, कलार, धोबी और पनरा। इन चार जाति की महिलाओं की नीलामी की जाती थी। ये ऐसी स्त्रियां होती थी जो कि या तो विधवा होती थी या तो पति द्वारा त्याग दी गई जाती थी। और इन स्त्रियों को उन्हीं जाति के पुरुषों के द्वारा खरीदा जाता था। और इन स्त्रियों का नाम उस पर्टिकुलर परगना, जिस परगने में ये निवास करती थी, उस परगने के नाम पर रखा जाता था। तो इस प्रकार से उस समय स्त्रियों की नीलामी की जाती थी। ठीक है, तो ये सामाजिक कुरीति के अंतर्गत आता है। चैपमैन ने अपने दस्तावेज में इससे संबंधित जानकारी दी है कि इस प्रकार की प्रथा बस्तर में व्याप्त थी। और उस समय शासन काल किसका था? उस समय शासन था रुद्र प्रताप देव का। तो इस प्रकार से CGPSC प्री में यहाँ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आपको काकतीय वंश, छिंदक नाग वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, उन्हें ध्यान में रखना है। और उनके शासनकाल में कौन कौन से घटनाक्रम हुए ये ध्यान में रखना है। देखिए, अब यहाँ पर अभिलेख इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पर घटनाक्रम इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर स्थितियाँ कैसी थी, मध्य छत्तीसगढ़ में रतनपुर के क्षेत्र में राजा कौन था, वहाँ से यहाँ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है। मतलब कि अब यहाँ पर साक्ष्य इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पर शासक और उनके शासनकाल में घटित घटनाएं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम अपने अगले लेक्चर में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो कि संडे को 11 बजे कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पे होने वाले फ्री टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप सभी के पास समय है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हर संडे को 11 बजे कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पर आप फ्री में टेस्ट दिला सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से होगी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये संदेश पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस टेस्ट को दिलाइए, क्योंकि जितने अधिक स्टूडेंट होंगे आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा उभर कर रैंकिंग के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।